भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत अंग बीजेपी का बनकर देश भर में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं उन सभी लोगों को एकजुट करके मोदी जी का सरकार को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी सरकार जो भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो लिया जा रहा है वो लोगों को पास पहुंचाने के लिए गांव-गांव घर-घर पहुंचकर जन जागृति करके जितने भी योजना गरीब के हित के लिए पिछड़े वर्ग के हित के लिए जो लिया गया है उनके पास ले जाना हमारा दायित्व है ओबीसी मोर्चा का। देश भर में 28 राज्यों में हमारा कमेटी गठन हुआ, लगभग 805 जिलों में भी हमारा कमेटी गठन हुआ, 10,000 मंडलों में सक्रिय रूप से ओबीसी मोर्चा का काम अब जारी है। सबसे पहले मोदी जी ने जो सरकार में आने के बाद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, ये हमारा जो पिछड़ा वर्ग का आयोग जो था वो आयोग को संविधानिक दर्जा देना एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि 23 साल कमीशन गठन होने के बाद जो दंतहीन कमीशन था उसको मजबूत करके मंडल कमीशन का जो सिफारिश थे 27% उनको ठीक ढंग से अमल होने के लिए जुडिशियल पावर्स दिया गया पहली बार। उसके पहले कांग्रेस 60 साल सत्ता में था, कभी पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण के मुद्दा को या हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कभी सोचा भी नहीं था। आज उसके अलावा ओबीसी के अंदर जो भी सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्टेड है, जो भी आरक्षण दिया जा रहा है चंद जातियों को वो फायदा हो रहा, लाभान्वित हो रहे, बाकी सब लोगों को भी छोटे छोटे जातियां जो है उनको भी इसमें शामिल करने के लिए ये वर्गीकरण का जो निर्णय लिया गया जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाया। और देश भर में समुद्र के तीर पर जो मछुआरे जो जीते हैं लाखों और करोड़ों संख्या में उनके लिए अलग मंत्रालय बनाया गया, अलग बजट भी दिया गया।